हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजिंग हेयर फॉल कंट्रोल टिप्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मिस्टेक करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी हमारा जो हेयर फॉल होता है, हेयर डैमेज होता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, क्योंकि वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए। तो जो फर्स्ट टिप है वो बताने वाली हूँ मैं। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि बालों को हफ्ते में कितनी बार धोनी चाहिए। कई लोग तो क्या करते हैं कि बाल आपके एक एक वीक पे धोते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, एक वीक तक आपकी गंदगी, आपका जो डर्ट होता है, बाहर जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, आपके जो स्कैल्प पे गंदगी इकट्ठी होती है वो एक वीक तक वैसे ही इकट्ठी होती रहती है, उसको आप साफ नहीं करते हो तो आपके बालों को डैमेज करने का एंड हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ये एक मिथ है कि बालों को हमेशा धोने से बाल खराब होते हैं या फिर बालों का हेयर फॉल होता है। जैसे हम लोग अपने बॉडी पे एक ही कपड़े मतलब एक हफ्ते तक नहीं पहन सकते, कितने जल्दी कपड़े गंदे होते हैं, वैसे ही हमारे हेयर हैं। तो आपको अपने हेयर को भी वैसे ही साफ करना है। तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन अपने बालों को हफ्ते में 3 दिन जरूर वॉश करना चाहिए, ओके। और शैम्पू यूज करने का जो सही तरीका होता है वो क्या है, शैम्पू क्या करते हैं हम लोग कई बार डायरेक्ट अपने बालों पे ऐसे लगाते हैं और ऐसे 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 रब करते हैं, उससे क्या होता है आपके बाल रगड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों का जो टेक्सचर है, जो सॉफ्टनेस है, वो सारी चीजें रिमूव हो जाती है और आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं एंड टूटने लगते हैं। शैम्पू होता है आपकी स्कैल्प को साफ करने के लिए, ना कि आपके हेयर को साफ करने के लिए। तो आप अपने स्कैल्प को साफ करो अच्छे से, उसमें से जो झाग बनता है उससे अपने बालों को साफ करो, ओके। तो आपके बाल जो हैं, आप देख रहे हो कि मेरे बाल काफी ज्यादा सही होते जा रहे हैं। जो पहले जो मैंने गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरे बाल ड्राई, डैमेज, झाड़ू जैसे हो गए थे, काफी कमेंट भी आ रहे थे। तो अभी आप मेरे बालों का टेक्सचर देख सकते हो, काफी ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं और हेयर फॉल भी काफी हद तक कम हो रहा है। तो यही चीजें फॉलो करके आप भी अपने बालों को अच्छा कर सकते हो। तो शैम्पू करने के लिए आपको क्या करना है, अपने बालों को डायरेक्ट शैम्पू को स्कैल्प पे नहीं डालना है, डाल भी सकते हो बालों को अच्छे से गीला करने के बाद, या तो आप एक मग में शैम्पू डाल लीजिए और बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा उसमें ग्लिसरीन की 2-4 बूंदे ऐड करिए, उसको अच्छे से झाग बनाइए, स्कैल्प पे डालिए, स्कैल्प को अच्छे से रब करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्प को अच्छे से साफ नहीं करना है कि बाल झड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको स्कैल्प को अच्छे से रब करना है, स्कैल्प को, बालों को नहीं, स्कैल्प को अच्छे से रब कीजिए, पूरा मतलब डर्ट वगैरह निकालिए उसका और जो झाग बन रहा है उससे बालों को साफ करिए और वॉश कीजिए। ऐसा आपको हफ्ते में 3 दिन करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन हेयर को वॉश करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप बालों को एक एक हफ्ते पे वॉश करोगे, बाल बहुत ज्यादा गंदे होंगे जिसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, जो डर्ट मिट्टी वगैरह है वो बहुत ज्यादा आपके बालों में आती है और गंदगी की वजह से आपके बाल डैमेज, ड्राई और हेयर फॉल बढ़ जाता है। ये तो बात होगी बालों को शैम्पू करने की। अब बारी आती है ऑयलिंग करने की। तो बालों में ऑयलिंग कब कब कैसे कैसे करना चाहिए, क्या जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ऑयलिंग करने के लिए। ऑयलिंग करके बालों में ऑयल को 2-3 दिन तक नहीं छोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, ऑयल जो होता है वो डर्ट को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से आपके बालों में बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है और ऑयल लगा के बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऑयल लगा के बाहर जाते हो तो नॉर्मल हेयर के हिसाब से, वॉश करके गए हुए बालों के हिसाब से, ऑयल गंदगी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है एंड गंदगी आपके बालों में जैसे डर्ट, धूल, पॉल्यूशन आपके बालों में बहुत ज्यादा आता है, जिससे आपके बाल झड़ सकते हैं या फिर हेयर फॉल बढ़ सकता है और डैमेज भी हो सकते हैं। तो ऑयलिंग, आप सोचोगे आप लोग ऑयलिंग नहीं करेंगे तो बाल कैसे वो हेल्दी होंगे, तो बालों के लिए ऑयलिंग नहीं है, ऑयलिंग है आपके स्कैल्प के लिए, आपके स्कैल्प को रिलैक्स देने के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए एंड आपका जो मसाज करने के लिए है। तो आप ऑयल को डायरेक्ट स्कैल्प पे डालो एंड मसाज करो, ओके, ना कि बालों पे लगा के रब करना है। और कौन कौन सा ऑयल यूज करना है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल यूज कर सकते हो, और सरसों का एंड नारियल का तेल यूज कर सकते हो अपने स्कैल्प को, उसका स्कैल्प के लिए अच्छे से मसाज करना है स्कैल्प का, और उसको 1 घंटे के लिए बालों में छोड़ो या फिर नाइट में लगाओ, सुबह वॉश कर दो। ऐसा भी करोगे तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे, मतलब स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो बाल ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। तो स्कैल्प पे आप बालों को ऑयल को लगाइए
और स्कैल्प को मसाज कीजिए, बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, नहीं तो आपके बाल झड़ेंगे एंड टूटेंगे। हल्के हल्के हाथों से रब करना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है सिर को, एंड हल्का हल्का तेल बालों पे लगा के हो जाइए। ज्यादा नहीं लगाना है और ज्यादा टाइम के लिए नहीं लगाना है, आपको 1 घंटा रखना है, मैक्सिमम 2 घंटे रखने हैं, या फिर नाइट में लगाइए, सुबह वॉश कर दिए, ऑयल लगा के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, ये तो बात होगी ऑयल की। अब आप सोचोगे कि बालों के लिए फिर कौन सा ऑयल है, बालों के लिए है कंडीशनर, सीरम या फिर आर्गन ऑयल, क्योंकि आर्गन ऑयल बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं होता, धूल मिट्टी को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, तो आर्गन ऑयल आप यूज कर सकते हो। आर्गन ऑयल यूज करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपने बाल टॉवल ड्राई कर लिया, बालों को टॉवल से पोंछने के बाद जो हल्का हल्का गीला होता है, 1-2 बूंद आर्गन ऑयल का लेना है और बालों पे लगाना है, उससे आपके बाल मैनेज रहेंगे एंड हेयर फॉल भी कम होता है और बाल सुलझे रहते हैं, फिंगर ऐसे फंसते नहीं है। तो आर्गन ऑयल अपने बालों पे यूज कर सकते हो। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि कंडीशनर, मैंने बोला कि कंडीशनर लगाना चाहिए, तो कंडीशनर लगाने से हेयर फॉल होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, लेकिन कैसे लगाओगे तो हेयर फॉल नहीं होगा। कंडीशनर बालों के लिए है, स्कैल्प के लिए नहीं है। जैसे ऑयल आपकी स्कैल्प के लिए है, बालों के लिए नहीं है, वैसे ही कंडीशनर आपके बालों के लिए है, स्कैल्प के लिए नहीं है। कंडीशनर में बहुत ज्यादा केमिकल होता है, जो कि अगर आपने स्कैल्प पे लगाया तो आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है, इसीलिए आपको कंडीशनर को अपने बालों पे अप्लाई करना है, 2 मिनट रखना है एंड वॉश कर देना है, तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। लेकिन जो लोग ऐसे ऐसे करके कंडीशनर लगाते हैं पूरा स्कैल्प के अंदर, उनके बालों का कंडीशनर लगाने से उनका हेयर फॉल होता है। तो कंडीशनर लगाने का सही तरीका है हेयर पे लगाना, स्कैल्प पे नहीं लगाना। ओके, वैसे ही सीरम है, तो वैसे ही सीरम है, सीरम को भी आपको बालों पे अप्लाई करना है, स्कैल्प पे नहीं। सीरम को भी आपको टॉवल ड्राई होने के बाद अप्लाई करना है, सूखे बालों पे नहीं लगाना है या फिर बहुत गीले बालों पे नहीं लगाना है, टॉवल से पोंछना है, उसके बाद अपने बालों पे कंडीशनर ऐसे ऐसे करके बालों पे अप्लाई करोगे, स्कैल्प पे नहीं। तो ये तो तरीका हो गया तेल, कंडीशनर, शैम्पू, कैसे लगाना है, किस टाइम लगाना है, कैसे लगाओगे तो हेयर फॉल नहीं होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है जब हम लोग हेयर वॉश कर लेते हैं, उसके बाद से बालों को पोंछना कैसे है। तो हम लोग जब बाल हेयर वॉश करके आते हैं, तो कई बार मैंने देखा है लोग ऐसे बालों को करते हैं और जोर जोर से रगड़ते हैं टॉवल से, ऐसे नहीं करना है। वैसे आपके बाल 2 मुए हो सकते हैं और आपके बालों का जो टेक्सचर वो खराब हो सकता है एंड झड़ सकता है। मैं भी अपने बालों का ऐसे केयर कर रही हूँ और मेरे बाल अभी काफी हद तक सुधर चुके हैं। आप मेरी पहले की वीडियो देखिए और अभी की वीडियो देखिए, काफी डिफरेंट दिखेगा आपको। और कल मैंने बताया था बहुत ही खूबसूरत सा फ्रंट बैंग हेयर कट, जो कि अभी मैंने अपने बालों में छिपा लिया है, लेकिन बहुत खूबसूरत सा हेयर कट हुआ था, उसका वीडियो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो टॉवल ड्राई करने के लिए एक तो बालों को खूब जोर से नहीं रगड़ना है, दूसरा बालों को आगे की तरफ करके देखा है मैंने, टॉवल से झड़क झड़क के बहुत जोर जोर से बालों को सुखाते हैं, ऐसा नहीं करना है, बहुत प्यार से बहुत आराम से आपको बालों को ड्राई करना चाहिए। जब आपने बाल वॉश कर लिए हैं, टॉवल को बालों पे बांध लीजिए या फिर टॉवल को ऐसे लपेट के ऐसे ऐसे करके बालों का पानी निकाल लीजिए। ओके, रगड़ना नहीं है, झटकना नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है, तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे, टूटेंगे कम और झड़ेंगे भी कम। झड़ना वैसे स्कैल्प से होता है, टूटना हमारे रूट से मतलब बालों से होता है। तो टूटने का मेन कारण है ये बालों के साथ मतलब बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से पेश आना, तो प्यार से पेश आइए तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे एंड टूटेंगे कम। ओके, तो ये तो बारी होगी बात होगी बालों को कैसे ड्राई करना चाहिए, जिससे कि आपका जो हेयर फॉल है वो कम होगा। ओके, और कई बार मैंने देखा है कि लोग गीले बालों में कॉम करते हैं और वो भी टैंगल जो रिमूव करना होता है उसको डायरेक्ट ऊपर से शुरू हो जाते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो जो टैंगल आपके ऊपर से है वो आप जबरदस्ती ऐसे करते करते नीचे ला रहे हो और वो सारे टैंगल मतलब जो उलझन है एक साथ मिक्स होके बहुत बड़ा गुच्छा हो जाता है, फिर उसको निकालते हो तो बहुत सारे बाल आपके हाथों में आ जाते हैं। तो जो आपके बाल उलझे हुए हैं, अपने गीले बाल हैं, फर्स्ट बालों को गीले बालों में नहीं सुलझाना है, नहीं कॉम करना है, इमरजेंसी है, झाड़ना है, जरूरी है, तो आप नीचे से स्टार्ट करोगे ना कि जड़ से। जड़ से कभी भी बालों को नहीं सुलझाना चाहिए, आपको नीचे से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे टैंगल रिमूव कीजिए, एक टैंगल खुल गया फिर दूसरा स्टार्ट कीजिए, फिर तीसरा स्टार्ट कीजिए, ऐसे करते करते आपको स्कैल्प के पास आना है। डायरेक्ट ऊपर से झाड़ते हुए नीचे की तरफ नहीं आना है,
डायरेक्ट ऊपर से नीचे की नीचे को बालों को सुलझाओगे तो बालों का जो उलझन है वो एक साथ इकट्ठा होते होते बहुत बड़ा सा गुच्छा बनेगा और वो बालों को उसके साथ बाल बहुत ज्यादा मतलब झड़ जाएंगे। इसीलिए बालों को टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप बालों को नीचे से स्टार्ट करते करते ऊपर की तरफ आना है, ओके, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाना है। तो ये तो बारी होगी बालों को सुलझाने की। गीले बालों में बिल्कुल भी काम नहीं करना है। गीले बालों में हमारी स्कैल्प जो होती है वो बहुत कमजोर होती है और उसमें काम करने से हमारे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो आपको सूखे बालों में काम करना है। सूखे बालों में काम करने से जैसे हमारे बाल जब सूख जाते हैं तो स्कैल्प भी वापस से मजबूत हो जाती है और लॉक कर लेती है बालों को, झड़ना थोड़ा सा कम होता है। सबसे पहली बात है कि बालों को स्कैल्प को साफ रखिए जिससे कि हमारे बाल भी हेल्दी होंगे, ओके। और जब भी आप बालों को सुलझाते हो या कॉम करने के लिए बड़ी दांतों वाली कॉम का यूज करना चाहिए, छोटी दांतों वाली कॉम का यूज नहीं करना चाहिए, उससे आपके बाल और ज्यादा फंसते हैं, ओके। बड़ी दांतों वाली कॉम का यूज करना है, नीचे से ऊपर की तरफ सुलझाते सुलझाते जाना है। पहले मैं ऐसे कॉम करती थी तो बहुत सारे बाल मेरे हेयर मेरे कॉम में आ जाते थे, बट अभी बहुत ठीक है, 80% तक मेरा हेयर फॉल कम हो चुका है। एंड अब बारी आती है सबसे मेन चीज की, ऊपर से इन सब चीजों का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो, अंदर से हेल्दी नहीं हो, तब तक ऊपर से ना तो आपका स्किन ग्लो करेगा, ना ही आपका हेयर अच्छा होगा, ना शाइनिंग होगा, ओके। तो अभी मैंने जैसे कि पता है आपको कि मैं नोएडा में शिफ्ट हो गई, दिल्ली में मैं गाँव थी, बहुत ज्यादा भाग दौड़ थी और घर खरीदने में मकान खरीदने में बहुत हेडेक होता है, बहुत टेंशन होता है। तो मैंने मकान खरीदा और उसका लोन पास कराना, मकान खरीदना, शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत हेडेक हो जाता है, अकेली औरत के लिए तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे बहुत टेंशन भी था, मैं अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे पा रही थी, टाइम पे खाना डाइट सबसे बड़ी चीज़ है आपके फेस के लिए एंड आपके हेयर के लिए, तो अच्छा डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत मतलब बेकार हो चुके हैं, सबसे पहली चीज़ अपनी डाइट में पानी बहुत ज़्यादा यूज कीजिए। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पर डे पीना है, ओके। उसके बाद अपनी डाइट यानी कि खाना आपको घर का खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। एंड अपने खाने में आपको हरी सब्जियां, सलाद, ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है। अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है उन सब चीजों के लिए टाइम नहीं, पानी तो आपको पीना ही पीना पड़ेगा। एंड आप मल्टीविटामिंस की गोलियां एंड कैप्सूल डॉक्टर की सलाह लेके आप ले लो, उससे भी आपका हेयर फॉल काफी हद तक कम होगा। लेकिन पानी बहुत ज्यादा पीना है और जो पानी वाले फल होते हैं जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब चीजें जो कि जूस हो गया, जूस वगैरह, विटामिन सी वाली चीजें और ये सारी चीजें, विटामिन ई वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तभी अंदर से आप हेल्दी होगे, अंदर से खुश होगे, तभी अब टेंशन फ्री रहोगे, तभी आपका स्किन भी ग्लो करेगा एंड आपके हेयर भी अच्छे होंगे। तो ये सारी चीजें थी आपके बालों को अमेजिंग हेयर फॉल कंट्रोल टिप्स एंड एट होम। और प्रोडक्ट शैम्पू जो होती है वो आपको सल्फेट फ्री यूज करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है, बहुत ज़्यादा केमिकल ना हो वो यूज करना है। एंड आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए आपको बालों को हफ्ते में 3 बार वॉश करना है, कोई अच्छा सा ऑयल ले लीजिए, ऑयल लगाना है बट लगा के बाहर नहीं जाना है, लगा के बहुत टाइम के लिए नहीं रखना है, एक बार ऑयल लगा लिया 2-3 दिन तक नहीं रखना है उसको। और अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मेरा भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था जब मेरी बेटी होने वाली थी तो स्कैल्प पूरा दिखता था मेरा, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो आप उसके लिए मैंने जो यूज किया था वो मैं आपको बता रही हूँ, वैद्यनाथ का भृंगराज हेयर ऑयल मुझे बहुत सूट किया। सबसे पहली बात तो आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, जो पेय पदार्थ होते हैं ये जिसमें ये थोड़ा सा जलन टाइप का होता है पीने पे, वो सारी चीज़ें छोड़ दो, पानी पियो, भरपूर मात्रा में पानी पियो, जूस पियो, ये सब चीज़ें पियो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़ दो, जंक फूड मतलब बाहर की चीज़ें, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें थोड़ा कम कर दो, आपको ऑटोमेटिकली अपने बालों में, अपनी स्किन में काफ़ी हद तक सुधार दिखेगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आई होप कि पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरीके की अमेजिंग हैक्स एंड टिप्स देखने के लिए पार्लर से रिलेटेड वीडियोज आपको मेरे चैनल पे डे बाय डे मिलते रहते हैं। शॉर्ट बैंग्स कट की वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड शॉर्ट हेयर लॉन्ग टू शॉर्ट बॉब कट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, पतले हल्के छोटे बालों में कैसे हेयर कट करना चाहिए वो भी अपलोड हो चुका है। डे बाय डे मेकअप टिप्स, स्किन केयर टिप्स, हेयर केयर टिप्स मेरे चैनल पे ऐसे ही जाते रहते हैं, तो प्लीज सपोर्ट मी गाइस,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।